आईपीएल 2021 का फाइनल अब केवल एक दिन दूर है। 15 अक्टूबर को सीएसके और केकेआर के बीच फाइनल होगा और रात करीब 11:15 बजे हमें पता चल जाएगा कि आईपीएल 14 का चैंपियन कौन होगा। एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने इस आईपीएल के पहले फेज और दूसरे फेज में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसका पहले से ही प्लेऑफ में पहुंचना लगभग पक्का माना जा रहा था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर ने पहले फेज में निराश किया था। पहला फेज जो भारत में खेला गया था उसमें टीम ने 7 मैच खेले थे और उसमें से केवल 2 ही मैच जीत पाई थी। इसके बाद लगने लगा था कि टीम एक बार फिर फिसड्डी साबित होगी, लेकिन दूसरे फेज में सब कुछ बदल गया। तो आज के इस वीडियो में केकेआर के सफर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीन पर दिख रही घंटी जरूर बजा दें। आपको ये भी बताना जरूरी है कि हम लगातार आपके साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं और सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आईपीएल 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, यही कारण रहा कि बीच आईपीएल में टीम का कप्तान बदल दिया गया। दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी और विश्व विजेता कप्तान इयान मॉर्गन को नया कप्तान बनाया गया। लगा कि अब टीम के लिए कुछ बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टीम प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो गई। इसके बाद जब आईपीएल 2021 शुरू हुआ तो उम्मीद जगी थी कि इयान मॉर्गन अपनी कप्तानी में टीम को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन टीम लगातार हारती रही। इस बीच कोरोना वायरस के कारण आईपीएल को स्थगित किया गया। उस वक्त तक लगभग सभी टीमें अपने आधे आधे मैच खेल चुकी थीं। केकेआर ने भी अपने 7 मैच खेल लिए थे और केवल 2 ही मैच जीते थे। इससे लगने लगा था कि कप्तान बदलने के बाद भी टीम पर कोई खास असर नहीं हुआ है, लेकिन किसे पता था कि दूसरे फेज में सब कुछ बदल जाएगा। केकेआर प्लेऑफ की दौड़ से काफी दूर थी, लेकिन उसके बाद केकेआर ने लगातार अपने मैच जीतने शुरू किए। न केवल अपने मैच जीते बल्कि अच्छे अंतर से जीते, इसलिए टीम का नेट रन रेट भी काफी अच्छा रहा। केकेआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम रही, लेकिन टीम ने पहले एलिमिनेटर में विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी को हराया और उसके बाद क्वालिफायर 2 में आईपीएल 2020 की उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अब वो दिन करीब है जब टीम सीएसके से फाइनल में टक्कर लेगी। केकेआर इससे पहले 2 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है, वहीं सीएसके ने 3 बार अपने नाम खिताब किया है। सीएसके और केकेआर फाइनल में आमने सामने होंगी। इससे साफ है कि इस बार भी आईपीएल को कोई नया चैंपियन नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसी टीम फाइनल में नहीं है जो अब तक आईपीएल नहीं जीत पाई है। हालांकि जिस तरह का प्रदर्शन दोनों टीमों ने किया है उससे साफ है कि फाइनल की जंग काफी रोचक होगी, क्योंकि टीम कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल जीतेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर हम फिर आएंगे।